ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। विषय तो आप सभी तपस्या कर रहे हैं, शायद तपस्या का वाइब्रेशन मधुवन तक पहुंच गया। मुझे जाना तो कहीं और था, ड्रामा अनुसार कैंसिल हुआ, इसलिए आपके पास पहुंच गया। तो विशेष वर्तमान समय हम अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिनकी स्थिति मजबूत है, आने वाला जो परिवर्तन का समय है, विनाश का समय है, ऐसे विपरीत समस्याओं का हम सामना कर सकेंगे। जिनकी स्थिति मजबूत है, शक्तिशाली है, वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली, उनका भविष्य का पद भी कैसा होगा, ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली, उनको संगम युग में अति इंद्रिय सुख का क्या होगा, अनुभव होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, जहां भी खड़े हैं उनकी सेवा चलती रहेगी। इसलिए अब हमें स्थिति को बनाना है, लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, स्थिति मजबूत नहीं होती, उसके कारण और उसका निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीछे तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन एक तीन चार बातें विशेष वर्तमान को देखते हुए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है। पहला आधार है, अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, इसके लिए कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, करते बहुत कुछ है लेकिन अपने पर ध्यान नहीं है। तो कभी कभी हमारी खुद की कर्मेंद्रिय हमें क्या करते, हाराती। मुझे लगता है अभी भी बाबा की मुरली चली मधुबन में, डबल राज्य अधिकारी हो, एक तो स्वराज्य अधिकारी हो, दूसरा खजानों के अधिकारी हो। लेकिन हम कहते अधिकारी, लेकिन हमारा कर्मेंद्र कोई सुनती नहीं है। है अधिकारी लेकिन है अधीन, और यही स्थिति बिगड़ने का कारण है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया। अभी आ रहे हैं ना 18 जनवरी, तो ये 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाती है, जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वो करना। बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने विशेष दो पुरुषार्थ किया। एक, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, और दूसरा बाबा ने क्या किया, आत्मा का पाठ पक्का किया। और इसी से बाबा इतना शक्तिशाली बन गए, जो नारायण का पद प्राप्त किया। तो हमें भी और कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, यही पुरुषार्थ करना है, अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। क्योंकि माया कई बाहर से नहीं आती, माया आते हमारी इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा, आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा, मन के द्वारा। और इस दरवाजे के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, हम रोज मुरली सुन लेते हैं, अमृत वाला कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, धारणा भी कर लेते हैं, तो भी हमारी स्थिति कहां से बिगड़ते पता भी नहीं चलता। अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन इंद्रियों पर ध्यान, और बाबा ने जो ध्यान अपना खुद का खिंचवाया था, बाबा रोज रात को सोते समय और सवेरे उठते समय दो बार बाबा दरबार लगाते थे, लेकिन आज हमारा इसका तरफ ध्यान नहीं है। क्योंकि जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक शक्तिशाली नहीं बनेंगे। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब करना क्या, बैच पहन लिया, सेपरेट ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुन ली,
भोजन शुद्ध खा लिया, हो गया परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन करना मतलब मेरी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले, जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगेंस एट होम, आप अपने घर को सुधारो। तो क्या आपके घर में सब ज्ञान में चलते? घर मतलब लौकिक घर की बात तो नहीं है, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। इस घर के जब ज्ञान में चलेंगे तब इस दुनिया को परिवर्तन आप कर सकेंगे। अगर इसमें कोई ज्ञान में नहीं चलेगा तो आप दुनिया को नहीं बदल सकते। पहले हमें आ रहा कान के अंदर लगना चाहिए परमात्मा आया है। कभी 7 डेज का कोर्स इन कान का करो, मुख का करो, आंखों का करो, मन का करो, और जब ये सारे ज्ञान में चलेंगे तब आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे। आज प्रॉब्लम आते हैं इन इंद्रियों के द्वारा, और इसी के आधार से हमारा भविष्य का पद है। भविष्य का पद ये नहीं कि माउंट आबू में रहते हो, कितना साल में ज्ञान में चलते हो, मम्मा बाबा को देखा या नहीं देखा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। भविष्य का पद का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिसका इंद्रियों पर शासन है उतना उसका पद ऊंचा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिन्स एट होम। जो इस दुनिया पर शरीर पर राज्य करता है वही स्थूल दुनिया पर शासन करता है। जिसका इसके पर शासन नहीं है वो इस दुनिया पर शासन नहीं कर सकता। इसलिए अब ये समय किसी दूसरों को देखने का नहीं है। मेरे घर में क्या क्या चल रहा है, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा कान आज सारा दिन क्या क्या सुनता है, मेरा मन क्या क्या सोचता है, इसको देख करके इन सबको श्रीमद प्रमाण चलाना। तब हमारे पुराने संस्कार बदल जाएंगे, तब हमारा योग अच्छा लगेगा, तब हमारे अंदर गुण और शक्ति आएगी। ये गुण शक्तियां क्यों नहीं आती? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया उनकी आंखें खुल जाएंगी। इसी तरह आत्मा ब्रुकुटी में शांति में तब बैठेंगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। कान ने गलत सुन लिया आत्मा की नींद फिट गई, आंखों ने गलत देख लिया आत्मा की नींद फिट गई। इसीलिए रोज अपने इंद्रियों को क्या करना, दर्प ऑर्डर करना, और सारा दिन अगर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं रात को सोने के पहले उसको सजा देना, और इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। नहीं तो हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, सारा दिन व्यर्थ देख लेते, व्यर्थ सुन लेते, जितना कमाए उतना गंवाए। यह है सो परिवर्तन। क्योंकि इस दुनिया का ये शरीर दुनिया एक सैंपल है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, आत्म लोग। दुनिया में 5 तत्वों का दुनिया बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% वाटर लेवल है पानी, शरीर में भी कितना पानी होता है 70%। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है जीवाणु। इस दुनिया का ये सैंपल दुनिया है। तो जो इस दुनिया पर शासन करता है वही इस दुनिया पर शासन। आज दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कारण क्या है? क्राइम जो दुनिया में हो रहे हैं, हाथ पर कंट्रोल नहीं है, मुख पर कंट्रोल नहीं है, आंखों में कंट्रोल नहीं है, इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है? क्राइम हो रहा है। इसीलिए बाबा ने सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर आत्मा को अपने आप को बदलना है, इसको ठीक करना है सारी दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं निर्विघ्न बनो, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ। इन सब का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है वही शक्तिशाली। जो स्वयं से हारता है वो कमजोर है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी? समझो ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाते,
इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा क्या बनती है भविष्य में? दास दासी, दास दासी वो बनते जो उदास रहते, और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है वो कैसा रहता है? उदास। उसको खुशी नहीं होगी, भले स्वर्ग में जा रहे सत्युग आने वाला है, लेकिन उसके चेहरे में कोई खुशी नहीं है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? वो साहूकार बनता है। क्यों क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कराए, इंद्रियों पर शासन किया है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनता है? राजा तो बनता है क्योंकि इंद्रियों पर शासन किया है, लेकिन कंगाल राजा बनता है, क्योंकि संगम युग में उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रहे, मुकड़ा देख ले प्राणी। इसलिए हर प्रकार की सेवा, स्वयं का भी परिवर्तन, धन से मन से, धन से सेवा, दूसरों को सुनाना, यही संपन्न राजा, वो है शक्तिशाली राजा। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है? एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहां है? यहां ब्रुकुटी में। लेकिन इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब भी हैं, कौन से? कान मुंह कांक, अपना अपना शासन है, किसी के नहीं मानते। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती की, कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ की, बुद्धि के साथ की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है, किसे गुलाम है? माया के। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, जो माया रूपी अंग्रेज घुसे उनको भगाना। अगर संगम युग में अंत तक माया का ही इसके ऊपर शासन रहा, तो हम कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकते। जितना जिन्होंने जल्दी भगाया, जितना लंबा समय तक संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे, उतना सत्ययुग में ऊंचा पद मिलता है, लेकिन युगो युगो तक कई जन्म राजा ही का पद मिलेगा। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? वही नीति हमें भी अपनाने। क्या नीति अपनाई उन्होंने? भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाने के लिए जगह जगह पर सभा लगाया, जालियांवाला बाग पंजाब में वो सभा लगी थी, ताकि अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए कुछ करना है। लेकिन किसी को पता चला इनकी सभा लगी है, तो अंग्रेज लोग आकर के, एक गार्डन है वहां, मैं देख के आया था अभी, एक ही दरवाजा था, उसमें खड़े होकर के गोलियां झाड़ना शुरू किया, और एक बीच में कुआं था, तो काफी लोग उसके अंदर गिर गए, कुछ तो मर गए। और ये सब बातें लोगों को पता चलने के बाद और ही उग्र रूप धारण किया। फिर नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले, दांडी यात्रा, मुझे लगता है तब से भारत में और खास तो महाराष्ट्र में गणपति का त्योहार चालू किया था, ताकि उसके बहाने लोग इकट्ठे हो जाएं। अखबार भी तब से चालू किया, कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे अंग्रेज लोग, क्यों? वंदे मातरम उनको लगता था कि बांधो और मारो बोल रहे। और तब ये सब चीजों से अंग्रेज लोग क्या किया? इसी तरह आज हमें भी अपने शरीर रूपी देश में माया रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है, तो हमें अपनी जनता को जागृत करना है। तो हमारी जनता कौन है? ये कर्म इंद्रिया, रोज इनका दरबार लगा करके ये माया ने हमारे साथ क्या क्या किया, हम कैसे थे और क्या क्या किया, तो उनके प्रति जागरूक करने से तब माया इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत आएगी। जब तक इन इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी, तब तक माया जीत नहीं बन सकेंगी। मुझे लगता है सारे गीता का सार भी
यही है। हे अर्जुन, अपने घोड़े के लगाम क्या करो, अपने हाथ में रखो, घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। लेकिन हमारे घोड़े की लगाम ढीली है और इसलिए आज प्रॉब्लम आते हैं। तो कृष्ण जब रथ में बैठता है तो क्या करता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के गिर जाएंगे तो। इसी तरह हमें भी रोज अपने इंद्रियों से प्यार करना है। जब नहाते धोते हैं तो क्या करो, कान से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, आज तुम ऐसा कोई काम ना करना मेरा सिर झुक जाए। हे मेरे आंखें, तुम ऐसी कोई काम ना करना, ना देखना जो मेरा सिर झुक जाए। और जब ये इंद्रिया आपके सहयोगी बनेगी, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन कोई सैनिक से मिलता है, कहता है ये 500 की नोटा का बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सोचेगा अरे इतना बोरा तो मैं कितना भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, वो बोरा लेकर के उसको भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी। तो इसी तरह हमारे इस शरीर की रक्षा, आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, कान आत्मा की रक्षा के लिए, आंखें आत्मा की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। योग में बैठेंगे आंखें बंद हो जाती, और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखेंगे उस समय बंद नहीं होगी, टिक टिक करते देखते रहे, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता और कहता है और क्या हुआ, इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं चल रहे। जब हर इंद्रिया ज्ञान युक्त बनेगी तब हम शक्तिशाली बनेंगे। ये शरीर हमारा किला है, इस किले के दरवाजे हैं, लेकिन इस दरवाजे में कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वयं का पहले परिवर्तन किया। इसलिए क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है, जैसे नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो क्या हो जाएगी, डुबा देगी। इसी तरह जिसका इंद्रियों पर शासन है वो पार हो जाता है, और जो इंद्रियां जिसके ऊपर, जो इंद्रियों के अधीन है वो डूब जाता है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा, उसके पीए के पास जाता है, पीए पढ़ेगा, फिर कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसका हितेशी है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारे पीए कौन है, कान, कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता, हमको गाली दी गाली दी, मन डिस्टर्ब, बुद्धि डिस्टर्ब, सारे डिस्टर्ब। और सवेरे की चार पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, आज ये बोला, वो निकाल लेता है। माना कान मेरा हितेशी नहीं है। इसीलिए शक्तिशाली बनाने के लिए इंद्रियों पर शासन। तो हम अपना रोज का दरबार कैसे लगाएं, जिसे अपनी अवस्था शक्तिशाली बने। रोज अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता, इसलिए हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे अमृतवेला के बाद, अमृतवेला में मेरे दोस्त शिव बाबा के पास गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। इसीलिए हे कान, आज से तुम्हें जो हुआ कोई बात नहीं, आज से, लेकिन आज से कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी, अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल लगाते ना ऑफिस में, घरों में, हर जगह पर क्या लगाते, तो हमारे भी सीसी कैमरा एक्टिव है, तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र, रंग क्या है, राइट क्या है, क्या गलत देखा, सब पता चलता है। इसलिए कान, आज से तुम्हें व्यर्थ बातें नहीं सुननी। आगे चलो मुख के पास, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरे मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान भी करते हो,
इसे मेरी आत्मा मेरी आत्मा भाई मेरे से रूठ जाती है, मुझे बद्दुआएं देते हैं, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या मैंने किसी का अपमान करने के लिए तुमको रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होता मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? पूरा घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। चरण में कोई आत्मा नहीं, क्यों छुआ? क्योंकि शरीर को पूरा लेके आने वाला कौन? पांव। लेकिन कभी कभी है पांव तुम किसी का परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव को। अगर पांव का तने नहीं मुझे नहीं जाना तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, अकेला निकल करके जाएगा। पांव भी मिला हुआ ही। कई माताएं कहती मेरे बच्चे सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कोई में नहीं सुने। इसीलिए एक एक इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। आगे चलो मन के साथ। है मेरे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? बुद्धि है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास में है? क्योंकि बुद्धि के बिना कहीं भी समझो मन को विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहेगा हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ कहते ही आंखें चली गई, पांव चले गए, कान चले गए, सारी इंद्रियां फालू किसकी की? बुद्धि को किया। तो बुद्धि से कभी एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको सभी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया। अब मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजधानी गंवा दी, मुझे रावण के जेल में डाला, यही मेरे विश्वास का फायदा लिया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर गलत निर्णय करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। यह स्थिति को बनाने के लिए इसके अंदर परिवर्तन। आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, हमारा योग नहीं लग रहा है, हमारी तमाम सभी समस्या का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए विघन चार प्रकार के हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते उन लोगों की तरफ से आने वाला विघन, दूसरा है प्रकृति का विघन, तीसरा है संस्कारों का विघन, और चौथा है इंद्रियों का विघन। सबसे खतरनाक है विघन इंद्रियों का। प्रकृति कितना भी प्रॉब्लम करे लेकिन आपकी इंद्रिया ओके हैं, कोई भी उसमें असफल नहीं बनेंगे। सामने वाला कितना भी विघ्न डालेगा लेकिन अगर इंद्रिया उसको पॉजिटिव लेते हैं वो विघ्न भी कुछ नहीं लगेगा। संस्कार का विघ्न भी कुछ है, इंद्रियों का विघ्न सबसे खतरनाक विघ्न है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। इसलिए रोज अपनी इंद्रियों से बातें करो, और ये बाबा ने पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने। इसलिए बाबा सबके प्यारे बने। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति वाला ही शक्तिशाली बन सकता है, पावरफुल बन सकता है। ये सवेरे का दरबार बताया, फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। और सबसे पहले बात करो कान से, कान तुम्हारा चार्ट आज कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माताजी आई थी, किसी की निगेटिव बातें परचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा हुआ है। तो बताओ मैंने तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ यहां से। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ।
ये अलौकिक सजा, क्योंकि जिस कान में समझ कम है ज्ञान कम है वही पर चिंतन सुनेंगे। अलौकिक सजा दो। आगे चलो मुख के पास, मुख तुम्हारा चाट का इशारा, समझो कान ने दरवाजा खोला तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने मेरे साथ भी कई बार ऐसा किया, वो दुश्मन और अंदर घुस गया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मुख है, मौन है मुख की सजा। इसी तरह हर इंद्रियों को क्या करो, शिक्षा दो, सावधान करो, सजा भी दो, और तब आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। कोई कहते हैं माता बड़ी अच्छी है, अच्छी मतलब क्या, उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति से ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं, यह है पुरुषार्थ। दूसरा है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, यह आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं हम शक्तिशाली हैं, माया हमें टच नहीं करेगी। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है तो सीता क्या करते, माची जला कर रखती। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, इस रावण के बातों से बचने के लिए हमारा दीपक सदा जलता रहे। जिस शरीर में, जैसे पहले जमाने में गांव-गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गए। इसी तरह इस शरीर पे घर में जितना ये आत्मा का लाइट जला कर रखेंगे माया नहीं आएगी। इसीलिए बाबा, मुझे लगता है हर मुरली में बच्चे आत्मा समझो ये पाठ को बाबा पक्का कराता है, क्योंकि जब तक हम आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं है, देह बांध सबसे बड़ा विकार है। काम क्रोध तो बाद में आता है। अगर मेरे अंदर काम विकार है, क्रोध है, इसका कारण मेरा देह बांध खत्म नहीं हुआ। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर काटता है, फिर काटता है, रावण नहीं मरता, सिर तो कट जाते हैं दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो गया, विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ, और जब नाभि में तेल लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है, क्यों, हम क्या करते हैं उसके गले काटते हैं। कभी काम का गला काटेंगे, महीना 4 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है, कारण हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का बांध। इसलिए ये आत्म अभिमानी की हमें हड्डी मेहनत करनी है, और जो आत्म अभिमानी की मेहनत करता है वो है शक्तिशाली। क्योंकि जितना हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में है, रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में है उतना हमारे संकल्प में बल आए, हमारी वृत्ति में भी बल आए। आत्माभिमानी बनने से हम बाबा से सदा कनेक्ट रहते। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में एक शब्द रिपीट करती थी, मैं कौन और मेरा कौन। वास्तव में पहला लेसन यही है, और अंत का लेसन भी, अंत में विनाश में चारों तरफ से समस्या आएगी, इविल सोल की समस्या आएगी। इविल सोल्स समझो, किसी के अंदर काम का विकार का संस्कार है, जब विनाश में आत्मा ही शरीर छोड़ेगी, ऊपर परमधाम का गेट बंद है, अंतराल में भटकती रहेगी, उनको शरीर है ही नहीं, अब समझो उनको विकारों की भावना आई, कहां जाएंगे, जिसके अंदर काम विकार के संस्कार है उसके शरीर में प्रवेश करेगी, एक एक में 5-5, 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी। इसलिए कईयों को लगता ना, बाबा आप चिंता नहीं करना, हमारे संस्कार बदल जाएंगे। बाबा कहते जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये विकार और ये अति विकराल रूप धारण करेंगे,
इसीलिए मेरे अंदर कौन से संस्कार है, कौन से संस्कार का अंश है, उसको खत्म करना है। इविल सोल्स के प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रकृति के प्रॉब्लम्स आएंगे, खान पान के प्रॉब्लम्स आएंगे, आपस में हिसाब किताब के प्रॉब्लम आएंगे, ऐसी ऐसी समस्या आएगी, क्योंकि आपका अंतिम जन्म है, कई आपके हिसाब किताब सामने आएंगे, और उसी सारी समस्याओं का सामना करने के लिए अशरीरी विधेय स्थिति चाहिए। विधेय स्थिति वाला ही पास हो सकेगा। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे ये आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो, आत्म अभिमानी बनो। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमारा समय सफल होता है। आत्म अभिमानी स्थिति वालों के ही आसपास में गुण और शक्तियां रहती है। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में है उतना शक्तिशाली है। आत्म अभिमानी स्थिति वालों का इंद्रियों पर भी शासन है। आत्म अभिमानी स्थिति वाला उसे विकर्म नहीं होंगे, इतना ही नहीं, जो विकर्म किए हैं वो खत्म होते जाएंगे। आत्म अभिमानी स्थिति वालों को जिधर भी देखो बाबा ही नजर आएगा। ये गीत है ना, यही कई बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह बान में है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब अगर कोई बर्फ के बाद जाएगा तो क्या अनुभव होगा ठंडी का? कमेंट करने की जरूरत नहीं, ओ कितना ठंडा है, क्या करना है, कोई जरूरत नहीं कमेंट करने की। गरीब हो अमीर हो सबको अनुभव होगा ठंडी का। अगर कोई आग के पास बैठेगा तो गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा बैठा है सामने, उसके पास कोई आकर के बैठेगा तो क्या होगा? शांति का, शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में बैठा था, और मैंने बहनों से जुगाड़ करके स्टेज के नजदीक जगह लिया था, चार घंटा बैठा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया? प्रश्न पूछा उसने। तो मैंने एक उसको छोटा सा एग्जाम्पल दिया, एक बड़ा सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? फटाफट सारे खींच लेगा, इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को बड़ा सा कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर लपेट 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 करके रखो, गठरी बांध करके, खींचेगा, हिलेगा, चुंबक खराब है? चुंबक तो अच्छे हैं, लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़ों को क्या किया, कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के सामने कोई देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठा है, कोई भी अनुभव, इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके बैठो, आत्म अभिमानी होकर के रहो, तब बाबा की खिंचावट का अनुभव होगा। सारा दिन हमें चलते फिरते मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं अभ्यास करना है, जब योग में बैठेंगे तुरंत बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की मेहनत ये स्थिति को शक्तिशाली बना देगी। तो यह आत्म अभिमानी हम बने कैसे? पवित्रता की धारणा इसके लिए चाहिए, सात स्वरूपों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। आत्म अभिमानी बनने के लिए सम्मान में रहने की आवश्यकता है। आत्म अभिमानी बनने के लिए योग को विधि पूर्वक करने की जरूरत है, निरंकारी बनने की जरूरत है। आत्म अभिमानी बनने के लिए संकल्प कम चलाने की जरूरत है, और इससे हमारी आत्म अभिमानी स्थिति बनेगी। सारे ज्ञान का सारा है आत्म अभिमानी बनना। ये चार जो सब्जेक्ट बाबा ने रखे, क्यों रखे? आज कई कहते मैं कभी मुरली मिस नहीं करता, रोज मुरली सुनता हूं। अगर मुरली रोज सुनता है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, मुरली सुनने तक है, वो उसके धारणा में नहीं है। जितना वो पॉइंट सुनता है, उस पॉइंट का स्वरूप बनेगा, इधर आत्मा के स्वरूप बन जाता है। अगर पॉइंट केवल सुनने तक आए, वो पॉइंट स्वरूप नहीं बनेगा। आज कई कहते मैं रोज योग लगाता हूं, अगर योग लगाता हूं तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है तो योग में बैठा था, शरीर बैठा था, मन बुद्धि उसकी भटक रही थी, मन बुद्धि नहीं बैठी थी, मन बुद्धि बाबा में नहीं गई, और गई थी। अगर सचमुच मन बुद्धि बाबा में जाती तो आत्म अभिमानी बनता।
कई कहते हैं, मैं जब से आया हूं पवित्रता की धारणा, खान पान की सारी धारणाएं, अगर धारणा है तो स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर नहीं है तो धारणा दिखावटी है, एक्चुअली धारणा नहीं है। अच्छा, ये सेवा भी हमें क्यों मिली है? सेवाओं से दुआएं मिलती हैं और दुआएं वाला सोल कॉन्शियस बनता है। अगर सेवा इतनी करने के बाद फिर भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, सेवा मान नाम ध्यान की है, दुआएं वाली सेवा नहीं है। ये चार सब्जेक्ट से हम आत्म अभिमानी बनते हैं और आत्म अभिमानी वालों के अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती। सत्यु के देवी देवता खुश क्यों हैं? क्योंकि सोल कॉन्शियस है। मुझे लगता है जो सोल कॉन्शियस आत्मा के स्वरूप में है, उसको सत्यु में जाने का भी दिल नहीं करेगा। इतना बड़ा ऊंचा लाइफ है ये आत्म अभिमानी स्थिति वालों का। अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब आत्म अभिमानी का अनुभव नहीं है। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा, ना व्यक्ति के प्रभाव में, ना वस्तु के प्रभाव में, कहीं भी प्रभाव में नहीं जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति बनाने की मेहनत, और जो निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में है वो है शक्तिशाली। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए दो बातें मैंने बताई। पहली बात स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, दूसरी बात आत्म अभिमानी स्थिति, तीसरी बात है अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है उसके लिए हमें विधि से योग लगाने की जरूरत है। जो हम योग लगाते विधि से करें, और खास तो तीन चीजों शक्तिशाली बनाने के लिए तीन चीजों के पर वर्तमान समय अटेंशन चाहिए। एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज के ईश्वरीय महावाक्य। ये तीन चीजें जो ब्राह्मण करता है वो शक्तिशाली बनता है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए आपका, और वही वीडियो 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का अमृत वाला का वीडियो, कह के मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो हम आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार है इसलिए आ गया, 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा वो आया अंदर से कुंडी बंद करके चिटकी नहीं लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, आपको कैसे लगेगा? अरे ये तो कैसे लोग है, मुझे बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के आया हूं, वो अंदर ही है, बाहर भी नहीं गए, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात है, आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अब दरवाजे नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर बेल दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जाओ हम आपसे बातें करनी। तो बाबा को निमंत्रण दिया, दरवाजा खिड़की तेरे द्वार खड़ा, भगवान भगत भरले झूले, भगत ओम शांति हो। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, दरवाजा खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग किसको समझते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहना, फिर बीच में देखेंगे घड़ी में, अब कब तक देखना है। अगर कोई घर में मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उसको लगा रहे इनको क्या हुआ। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारंगन के पार, वहां से झुटका लगा, अब तारंगन के पार से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड़ी टूट जाए। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए ऊपर नहीं जाने का हिम्मत नहीं होती। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो आजकल मोबाइल में। कहते लगाता हूँ लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो मेरा धरती पर बसता है, इसलिए डिस्टेंस है।
देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। इसलिए अमृत वाला हमें क्या करना है, अलर्ट होकर के करना है, आंखें खोल करके करना है। जो जिसकी अमृत वाला आंखें बंद है उसको कहेंगे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब पता है कि रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए तो भी कर रहे हैं, क्योंकि अधीन है। क्यों अधीन है? ताकत नहीं है, समझ है लेकिन ताकत नहीं है। इसलिए धृतराष्ट्र की माने तो यही किया ना, जो वो व्यास दृष्टि दे रहा था, आंखें बंद कर दी। इसी तरह ये संगम युग का यादगार है, बाबा परमधाम से आकर के दृष्टि दे रहे हैं, उस समय हमारे आंखें, वो कौन बना? धृतराष्ट्र। इसलिए आंखें खोल करके बैठना है, अमृत वाला अच्छी करना है, और साथ में क्लास के पहले आधा घंटे का योग। कई आजकल क्या करते हैं, क्लास में सीधा आकर के मुरली सुनकर चले जाएंगे। हमें संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले। जैसे धान बोएंगे लेकिन अगर हल नहीं चलाएंगे, सीधा सूखे रूखे खेती में बो तो उगेगा। इसी तरह ज्ञान का बीज डालने से पहले हमें क्या करना है, आधा घंटा योग करना जरूरी। आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनना है, और तीसरा मुरली सुनना है लेकिन कहां? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन में सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से होती है। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, सारा ऑनलाइन से सब काम होता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन से मुरली सुनने की आदत। इसीलिए हमें सेंटर पर आकर के बाबा को, एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? 33 करोड़ में जो देवी देवता आएंगे उनके पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? दादियों ने प्रश्न पूछा बाबा को, साकार बाबा की बात। तो बाबा ने कहा कि बच्चे 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाऊ, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध में आगे चल करके जरूर करूंगा करके बोला था। और आप बाबा ने 10-12 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया, किसके लिए? त्रेतायुग वाले के। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। नहीं तो एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर वन चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है, मैंने कभी देखा ही नहीं तुमको, चलो मैं दिखाता हूं। क्या करता है, एक बगीचे जंगल में लेके गया, एक पुतला देखा, कहा कि आप मेरे गुरु हैं, तो भी उसको नंबर वन नहीं दिया। नंबर वन किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता, और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसीलिए पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी एक पुतला है। अब सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके ज्ञान में तो होशियार बनेंगे लेकिन नंबर वन नहीं जाएंगे। नंबर वन बनना है तो हमें सेंटर पर आकर के मुरली सुननी है। और जो ब्राह्मण ये तीन चीजें करता है रोज रेगुलर, अमृत वाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है और मुरली सुनता है, वो शक्तिशाली बनता है। उसको सारा दिन किसी के दोष नजर नहीं आएंगे, किसी की बुराई नजर नहीं आएगी, सब अच्छे नजर आएंगे। इसलिए शक्तिशाली बनाने का ये तीन बातें ये है। अटेंशन है। एक दो महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाले रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसने के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्कल आ गई, कितना अच्छा धुला किया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन हम सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला योग नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, तो हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी होगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो, और खिड़की साफ करने का आधार क्या है? ये तीन चीजें ब्राह्मणों के लिए शक्तिशाली बनाने का आधार है। तो रोज हमें खिड़कियों को क्या करना है? खिड़की मतलब घर की नहीं। नहीं तो अभी मैं पिछले साल ही शायद नेपाल में गया था, 3 दिन की भट्टी थी, तो भट्टी में ऐसे मैंने बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई,
बहनों ने कहा, अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा, भैया ने कहा ना परसों खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। कई बार हम ज्ञान को क्या करते हैं, अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ करते हैं। इसीलिए खिड़की मतलब बुद्धि रूपी खिड़की को, और आजकल खिड़कियां कांच की बनाते हैं, और कांच की खिड़की कपड़ा मारने से साफ नहीं होती, उसके ऊपर स्प्रे आता है, स्प्रे मारते फिर कपड़ा मारते। इसी तरह केवल ज्ञान का कपड़ा मारने से हमारी बुद्धि रूपी खिड़की साफ नहीं होती, उसके लिए स्प्रे करो, योग है स्प्रे करना, और फिर ज्ञान है कपड़ा मारना, और तब बुद्धि। और जिसने बुद्धि को स्वच्छ किया, सारा दिन किसी की भी निगेटिव बातें दिखाई नहीं पड़ेगी, वो शक्तिशाली बनता है। तो तीन चीजें बताएं, शक्तिशाली बनने का आधार, पहली बात स्वराज्य अधिकारी बनना, कैसे एक एक इंद्रिय पर शासन करना, कैसे दरबार लगाना। दूसरी बात बताएं आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। तीसरी बात बताएं रोज अपने खिड़की को साफ करना, अर्थात रोज अपने दिनचर्या में अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा ईश्वरीय महावाक्य। और लास्ट की बात आई, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने संकल्प को सदा समर्थ रखो, संकल्प सदा पॉजिटिव रखो। जिसके संकल्प समर्थ है, पॉजिटिव है, वो है शक्तिशाली। आजकल मधुबन में जो भी मुझे लगता है रिवाइज मुरलिया इस सीजन के चली है, 5-6 पूरी संकल्प के ऊपर चल रहे। संकल्प पहली मुरली चली थी, संकल्प की समय की बचत करो, उसके बाद दूसरी भी मुरली, सारी संकल्प के ऊपर मुरली चल रहे। अभी भी बाबा ने कहा कि पवित्रता का आधार है व्यर्थों से मुक्त बनना, संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। ये व्यर्थ क्यों आता है? अभिमान और अपमान, क्योंकि संकल्प हमारे, संकल्प से हमारे शब्द बनते हैं, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, संकल्प से हमारे दृष्टि बनती है, सारा खेल है संकल्प का। अब जिसके संकल्प ही निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और वैसे ही हमारा इस पढ़ाई का सार क्या है, हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता किसको कहेंगे? कोई पंख नहीं आने वाले हम। फरिश्ता मतलब हल्का। जो आपको ड्यूटी मिली है, जो संबंधी मिले हैं, उसमें सब में रहते हुए भी हल्के रहना, वही फरिश्ता। और हल्के का आधार है संकल्प पॉजिटिव रखना। जिसके संकल्प निगेटिव व्यर्थ, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसके संकल्प निगेटिव है व्यर्थ है, रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प ज्यादा है, मन भारी है, भारी मन ऊपर नहीं जा सकता। और निगेटिव संकल्प का कारण बुद्धि अस्वच्छ बनती है, और अस्वच्छ बुद्धि में ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। इसीलिए संकल्प का सारा आधार है, इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना। निगेटिव सोचने वालों को तनाव पैदा होता है। जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसको क्या होता है? तनाव। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प इच्छाएं बहुत पैदा करेंगे सारा दिन में, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प विकल्प रूपी बच्चे आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी एक को भगा, दूसरा क्या का पापा जी, कहाँ योग लगेगा? और हम तो ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचर्य के कोई बच्चे नहीं होते। इसीलिए व्यर्थ सोचना ये भी अपवित्रता है। इसीलिए मन को चुप, जितने संकल्प कम पॉजिटिव उतना सुखी। निगेटिव संकल्प वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। निगेटिव वालों के आसपास में दुर्गुण रहेंगे, और पॉजिटिव वालों के आसपास में सदगुण रहेंगे। सीधी बात, पॉजिटिव वालों का चेहरा सदा चमकता रहेगा, और पॉजिटिव वालों के चेहरे से ही हम देवी देवता बन रहे, भगवान आया है, इसको प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
इसलिए बाबा कहते आगे चल करके मेरे बच्चों के चलन और चेहरे से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना। जो निगेटिव सोचता है, निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जिसकी निगेटिव ज्यादा संकल्प चलते हैं उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो गर्म, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है दुनिया में, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आजकल वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, अब पैदल चलेंगे सोचेंगे इनके पास घर में कुछ नहीं है, गरीब है, इसीलिए दिखाने के लिए गाड़ियों में घूमेंगे स्कूटी में चलेंगे। और पेट कैसे रहता है, पनीर की सब्जी, चार रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाके ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वो। जीभ तो दो मिनट में नीचे कर लेती है, संभलना किसको पड़ता है, पेट को। और दिमाग को कैसे रखना है, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है। आज 70% बीमारी का कारण क्या है, निगेटिविटी। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले संकल्प चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। जो ईर्ष्या वाले संकल्प चला तो उसको पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें पड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा कि आपको नंबर लेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, डोंट केयर करता है, नजदीक का देखना बंद। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ कर दिखता है। सारी बीमारियों का कारण है निगेटिव सोच। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखता है, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डलाइट होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते, शुगर का कारण क्या है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, होती है 30% मीठा खाने से, या माँ बाप अगर शुगर पेशेंट है, 70% शुगर होते हैं टेंशन निगेटिव से। क्या निगेटिव, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से केमिकल्स उतरते, इसे शुगर पैदा हो रहे। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। लेकिन जब कारणे अकारणे हम ज्यादा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उस नसों से तेजी से खून बहता है और उसका कोई इलाज नहीं, वो नसें फट जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव रहो। इसीलिए बाबा कहते ये ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर एक क्या है, हॉस्पिटल है, और आप लोगों ने तो इतना अच्छा बनाया हॉस्पिटल, आगे चल करके बहुत लोगों की भीड़ लगेगी, ये हॉल भी तो कम पड़ेगा, और क्योंकि इतना सारा भोपाल में बहुत सारे हॉस्पिटल तो है, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल। इसीलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ ने ये भविष्य को देखते हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे। कहीं को लगता रहे इतना बड़ा क्या करेंगे, लेकिन बहुत सारे पेशेंट आने वाले, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कोई बीमारी होते तो कोई टेबलेट देगा वहां से दबाएंगे, कहीं और से निकल जाते हैं, फिर कहीं और से निकलते दबाते कहीं और से निकलेगी, क्योंकि मन का इलाज तो कोई नहीं कर रहा है। और यहां जो बाबा की मुरली है, इसे मन, क्योंकि जिसका मन बीमार है उसका तन बीमार होता है। सामाजिक बीमारी होती है, 3 प्रकार की बीमारी, मन की बीमारी, तन की बीमारी, और तीसरा सामाजिक बीमारी। इसीलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो।
तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे, आप निगेटिव है। समझो किसी के, आपके पति की कोई महिमा कर रहा है, तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छे है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है वो क्या है मैं जानती हूं, इसका मतलब आप उसके लिए निगेटिव। आपके सास की कोई महिमा करते, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं। अगर किसी के महिमा नहीं सुन रहे आप निगेटिव है, कोई सामने से आता है किनारा करते निगेटिव है, किसी को सहयोग नहीं कर रहे निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो, उसके लिए कोई भी कारण नहीं सुनाना है। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? कर्म गति को समझो। आज हमारे घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, निगेटिव सोच रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते ना, सास भी कभी बहू थी, ताली कभी एक हाथ से। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई ही नहीं, मैंने कभी बुरा किया ही नहीं, इस जन्म में नहीं गए, कभी तो गए। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके मन को चुप रखो, व्यर्थों से बचे रहो। जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव जितना बनेगा वो है शक्तिशाली, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। लेकिन कौन बना सकते? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है, और पॉजिटिव से हमारे पास एक शक्ति आएगी, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्ति है उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आई, सारी शक्ति आएगी, दैवी गुण भी आएंगे। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, बाकी शक्तियां भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए, अकेले रहेंगे और तब कमजोर बन जाते। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें पॉजिटिव रहना है, और जो पॉजिटिव वह समर्थ बन सकता है। इसीलिए स्वयं की स्थिति बनाने के लिए चार बातें, पहली बात बताई स्वराज्याधिकारी बनना, दूसरी बात बताई आत्माभिमानी का अभ्यास, तीसरी बात बताई यथार्थ योग करना। कई योग में बैठेंगे, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे चलो शाम को आज इसकी सब्जी बनाते, पहले सोचे कि जाकर के भट्टी करके योग करके जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाल चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे अरे झोला थैला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कह गया ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। बैठे योग में, लेकिन ये विजन तो कैसे शक्ति। इसीलिए हमें योग के समय अटेंशन, ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, तारों को डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे प्लग में, तो चार्जिंग कैसे होगा? इसी तरह मन बुद्धि डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसलिए हमें एक बार बुद्धि बाबा में लगाई, बार बार उसको निकालना डालना नहीं है, विधि पूर्वक योग, और साथ में पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, ये चार चीजों से शक्तिशाली बन सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाकी दो मिनट में अनुभव, घड़ी तो इतने फास्ट चली पता ही नहीं चला, 7:15 बजा दिया ना? तो छोड़, दो मिनट में अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूँ। वैसे शरीर का नाम है भगवान भाई, लौकिक में मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो वैसे तो 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था। लौकिक में बकरी चराने वाले परिवार में रहते थे, एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे, ऐसी परिस्थिति में रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचे ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, उसके पीछे पीछे गया। एक मंदिर में एक स्कूल लगती थी, तो मैंने टीचर को कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े होगे अब थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरी कोई हाजिरी नहीं लगाओ, मुझे केवल कहकर सीखना है, मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देख के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया, क्योंकि एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी,
तो कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे नहीं नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। वहाँ हमारे महाराष्ट्र में करंजी के पेड़ होते हैं, उसका करंजी इकट्ठे करता था, फिर उसके बीज निकाल करके बेचता था। अपने पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। तो सातवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल जब स्कूल में नहीं हो। तो मैं सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। पहले जमाने में स्याही से लिखते थे, और ऐसी करके पढ़ाई करता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला, और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल दी, आज यहां तक पहुंच। देखो गरीबी के पीछे भी कल्याण था। और वो किताब तीन लोग का चित्र था, वो उसमें प्रदर्शनी का अंक था, और उसमें खास तीन लोग का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए, उसके पास कोई गया ही नहीं, अल्मस्ट्रांग नीलान्मस्ट्रांग ऐसे लेसन पढ़ाया था। लेकिन जब मैं ये तीन लोग का चित्र देखा, तो मैंने देखा चंद्रमा से भी पार एक सूरज से भी पार एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, ब्रह्मा, उसके पर शंकर जी है, फिर विष्णु जी भी खड़े हैं। तो मैंने सोची यहाँ तो कोई वैज्ञानिक गया होगा, तब जाकर देख के आए। तो वहाँ यहाँ कौन सा वैज्ञानिक गया, वो तो सर ने बताया नहीं। तो मैंने सर को वो चित्र प्रदर्शन का दिखाया किताब। हमने कहा सर आप बहुत पुराना जागरूक भी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए, तो वहाँ कौन सा वैज्ञानिक गया, उनका नाम क्या है। तो टीचर ने बाजू वाली लिखत पढ़ी, छोड़ो बोला कि उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, उस प्रिंसिपल को दिखाया, उन्होंने भी ऐसा गोलमाल जवाब दिया। मैं हर जगह पर लोगों को पूछता था। लास्ट में मैंने क्या किया, उसमें ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस लिखा था नागपुर का, क्योंकि मराठी लिटरेचर वहीं से छपता है। तो आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा जी भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम जागरूपे में क्यों नहीं लिखवाई करके प्रश्न भेज दिया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजे इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, 6 महीने के बाद 10 रुपये इकट्ठा किया, एमओ से भेजा, और उसी से किताब मंगवाई, और करस्पॉन्डेंट कोर्स से कोर्स किया। फिर 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। आईटीआई का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो वहाँ मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, तो वहाँ मुरली चली थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। मुझे लगा मेन लेसन यहाँ का आत्मा का है। मैंने उसी समय अपने हाथ पर भी लिख करके रखा, मैं आत्मा हूँ, यहाँ लिखा अभी पढ़ा लिखा पढ़ा। तो ये आत्मा का पाठ। उसके बाद रोज जब जाता था, एकदम गांव से गए थे, फटावा कुर्ता पहन करके सब बैठता था। बहनी कहती थी बेचारा गरीब बच्चा रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, योग में बहुत इंटरेस्ट रहता था मेरा। तो इसे करते आईटीआई पूरा हुआ, फिर मधुबन में जाना था। तो बहनों ने कहा तुम गरीब बच्चा वहाँ जाकर करोगे क्या, तो मेरे को छुट्टी नहीं मिली। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे योग किया, तो ड्रामा ऐसा बन गया, मधुबन में पहुँच गया। उसके बाद फिर वहाँ से फिर दिल्ली में भी गुलजार दादी लेके गई। दिल्ली के बाद मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन मैंने एक पॉजिटिव का सदा, जीवन की हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है, और एक एक पॉजिटिव बातें मुझे आगे बढ़ाते गई। मैं जब पांडवन में रहता था दिल्ली में, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी। कभी कभी मैं सोचता था मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने एक 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे। मैंने कहा इसे ज्ञान की, कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे वैसे हो, नेगेटिव, बहुत नेगेटिव बोला। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। वहाँ पांडवन में एक छोटा बगीचा है, तो वहाँ मैं रोज रात को 9 से 10 बजे क्या करता था, योग करके थोड़ा सा, तो गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता थे माताएं बैठी है, यूथ बैठे हैं। 10 साल तक गमले के सामने बैठ करके लेक्चर करने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज तक 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज की। अगर वो मुझे ऐसे न बोलते तो शायद प्रैक्टिस ना करता। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा कि एक अगर लेक्चर करते तो 100 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेंगे तो कितने लोग पढ़ेंगे। मैंने एक पहला जिंदगी का लेख लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए, उसी लेख को फोटोकॉपी करने के लिए दूसरे दिन एक व्यक्ति के पास लेके गए। मैंने कहा भाई इसको फोटोकॉपी करो, जो भी पैसा लूंगा दूंगा, लगेगा दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक नहीं बन सकते, जाओ, बोल दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, लेना नहीं देना, फाड़ के फेंक दिया। मैंने सोचा नहीं इसमें कल्याण है, आज से फोटोकॉपी नहीं करूंगा, एक लेख बार बार लिखूंगा। तो एक लेख मैं 5 बार लिखता था, 5 बार लिखने से एक अपने पास रखता था, 4-5 जगह पर भेजता था छपने के लिए।
तो 5 बार लिखने से करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। एक एक परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा है भी इतने सारे कार्यक्रम करते इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि मैंने 5वीं से 10वीं तक सीधा पढ़ाई किया था, इंग्लिश जानता नहीं। तो मैंने कुछ फोटो सीढ़ी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखो, आज यूट्यूब में गूगल में बीके भगवान भाई डालो, बहुत सारे मुझे लगता है मेरे खुद के 8-10 चैनल है, बहुत सारे ब्लॉग है। यू गूगल में कहीं भी सर्च करो, आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। कितनी बड़ी सेवा हो रही। तो जीवन की एक एक मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना टीचर समझा। एक टीचर ने मुझे लेखक बनाया, एक टीचर ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, उन टीचरों का धन्यवाद। नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। जब मैं पढ़ता था, मैं रद्दी से डायरी लाता था, दोबारा लिखने से स्याही फट जाती थी। एक दिन टीचर ने डायरी फटा हुआ अक्षर दे करके दीवार पर फेंक दी। क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते, ऐसे लिखते। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा राइटिंग में इतना अच्छा सुधारूंगा लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। तो एक बच्चा का राइटिंग अच्छा था, क कल लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, मधुबन में जो पुराने उनको जानते होंगे, मैंने 15-20 साल तक बहुत अच्छे अच्छे 25-30 बोर्ड लिखते थे, और वो बोर्ड लिखने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी, इतना सुंदर राइटिंग है। तो जीवन की एक एक, आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़े लगाए, उन सभी का धन्यवाद। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए पॉजिटिव जो रहता है वो सदा समर्थ रहता है। मैंने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए ये दरबार लगाने का ये भी हमने प्रैक्टिस किया, आत्माभिमानी की प्रैक्टिस की, संकल्प को। इसलिए मैंने क्लास नहीं किया, लेकिन अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए जो मैंने किया वो 4 बातें आपके साथ शेयर की। ओम शांति। तो 10-15 मिनट हम अच्छी तरह भी थोड़ा कमेंट्री से योग करेंगे, ठीक है। बीच का 7:30 का गीत नहीं बजाना, थोड़ा सा सीधा कमेंट्री करेंगे, ठीक है। एक विजन लेकर के अभ्यास करेंगे। सभी अपने ट्यून बजन, सभी अपने भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, दोनों भ्रुकुटी के बीच में हूं। आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मैं आत्मा हूं। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्म का पाठ पूरा किया है। हर जन्म में मेरा पार्ट हीरो एक्टर के रूप में था, महान आत्माओं के अंग संग में था। अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश का चमकीले शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया,
एकदम हल्की होती जा रही। मेरे सारे बोझ समाप्त होते जा रहे हैं। अब मैं इस चमकीले शरीर को लेकर के अपने वतन की तरफ जा रही हूं। अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है, जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचती हूं, ब्रह्मा बाबा ने खड़े होकर के मेरा स्वागत किया। बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। मैं स्वयं को लाइट माइट अनुभव कर रही हूं। ऊर्जावान अनुभव कर रही हूं। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप होता जा रहा है। मैं अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। अब मैं विधेयी आत्मा अपने मूल वतन में सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में जाती हूं। बिल्कुल ऊपर की तरफ सर्वशक्तिमान बाबा की किरणों के नीचे जैसे मैं बाबा के पास पहुंचती हूं, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे आत्मा के अंदर की जन्म जन्मांतर के विकारों के जर्मस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, जिस बाबा को देखने के लिए मेरे युगों से आंखें तरस रही थी, उस बाबा को मैं बुद्धिरूपी नेत्र से देख रही। बाबा शांति का सागर है। शक्ति का सागर है। आनंद का सागर है।
बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं, बीज रूप बिंदु रूप बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही, मेरी आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझती जा रही, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में जाती हूं। ब्रह्मा बाबा के सामने एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो, कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? बाबा की ये बातें सुनते ही मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो, बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, ये लो मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं। ऐसे करके बाबा मुझे ड्रामा की ढाल दे रहे, ज्ञान की तलवार दे रहे, पवित्रता का कवच पहना रहे, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल हाथ में दिया, सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दी, बाबा की दृष्टि से मेरे अंदर शक्तियां समाती जा रही, मैं स्वयं को शक्तिशाली शिव शक्ति स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। अब मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही, नीचे से भक्तों की पुकार मुझे सुनाई पड़ रही, अब मैं शिव शक्ति अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर के सर्वशक्तिमान को दिल में समा करके
भक्तों का उद्धार करने के लिए बाप दादा से आशीर्वाद लेकर के आकाश मार्ग से नीचे उतर रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं, जैसे मैं सृष्टि के गोले पर पहुंचती हूं वरदानी हाथ घुमा करके चारों ओर वाइब्रेशन फैलाती हूं, सबका भला हो जाए, सभी विकार व्यसनों से मुक्त हो जाए, अब मैं शिव शक्ति जिस ओर से भक्तों की पुकार सुनाई पड़ रही उन्हीं मंदिरों की तरफ जा रही हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी भक्तों को वाइब्रेशन के द्वारा दे रही, वरदानी हाथ घुमा करके दे रही। सबको संदेश दे रही हूं, हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम लोग पुकारे हो वह धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आकाश में स्थित होकर के चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही। मैं शिव शक्ति, प्यारे बाबा, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं इसको कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने तन मन धन के द्वारा आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनूंगी। इसके लिए मां शीतला बन वायुमंडल में शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मैं एक मां शीतला के समान हूं। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां दुर्गा के समान सबके दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां लक्ष्मी के समान सबको ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मां सरस्वती के समान
ज्ञान की वीणा जन जन तक सुनाऊंगी। मां वैष्णवी के समान सभी के विषय विकार मिटाने की सेवा करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं, ज्वाला देवी हूं, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है वही कार्य करूंगी। मैं शिव शक्ति समर्थ आत्मा हूं, अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं शिव शक्ति हूं, अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूं, अपने कर्म क्षेत्र पर जाती। मैं शिव शक्ति।